हिमाचल कांग्रेस ने उपचुनाव को प्रभारी नियुक्त किए, चंद्र कुमार को देहरा, राजेश धर्माणी को हमीरपुर और रोहित को नालागढ़ का जिम्मा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव जीतने को कमर कस ली है। पार्टी ने देहरा विधानसभा सीट जीतने के लिए कांगड़ा जिले के ज्वाली से विधायक एवं कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार को प्रभारी बनाया है। सोलन जिले की नालागढ़ विधानसभा सीट जीतने के लिए जुब्बल कोटखाई के विधायक एवं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और हमीरपुर विधानसभा सीट जीतने के लिए घुमारवी से विधायक एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को प्रभारी नियुक्त किया है। एकजुटता से धनबल का सामना करेगी कांग्रेस, बोले किमटा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। पार्टी एकजुटता के साथ धनबल का सामना करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हाल में विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटें जीती है, जो इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं नेतृत्व से हिमाचल प्रदेश की जनता खुश है। मतदाताओं ने भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति को नकार दिया है। प्रदेश में 10 जुलाई को होंगे उपचुनाव। प्रदेश में अगले कल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और 21 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 10 जुलाई को तीनों सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में तीनों सीटों के लिए मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है।